हेलो एवरी वन टूडे वी विल स्टार्ट आर सेकेंड चैप्टर ऑफ जोग्राफी एंड इट इज ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इन योर प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट दैट आर प्लेनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फियर हमारी जो अर्थ है वो स्फियर नहीं है इट इज़ स्लाइटली फ्लट एट द नॉर्थ टू साउथ एंड बल्ग इन मिडिल इट मीन्स हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी टेढ़ी है नॉर्थ से साउथ की तरफ थोड़ी सी टेढ़ी है और बीच का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा बल्की इट मीन्स बड़ा है ये एकदम स्फियर नहीं है गोल सेप में नहीं है आ, अगर आप इमेजिन करो कि ये केयरफुली अगर आप एक ग्लोब को देखते हो तो आपको आइडिया हो जाता है ग्लोब को देख के कि ये एक मिनिएचर मॉडल होता है हमारी अर्थ का इट मीन्स जब हम ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब में हमें कहीं ब्लू कलर दिखता है कहीं ग्रीन कलर दिखता है तो वो हमें शो करता है कि जो ग्रीन है वो लैंड है या फिर फॉरेस्ट है और जो ब्लू है वो जितना अर्थ के पार्ट पे जितनी पे जहाँ भी जो वाटर प्रेजेंट है ग्लोब के अलग अलग साइज होते हैं अलग अलग साइज में अलग अलग टाइप में ग्लोब्स आते हैं सम आर सो बिग दैट वी कैन नॉट बी कैर ईजीली बट सम आर वेरी स्मॉल एट वी कैन कैरी दैम ईजीली कुछ बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं जो बड़े होते हैं उन्हें हम ईजिली कैरी नहीं कर सकते बट जो छोटे मॉडल होते हैं ग्लॉब के या फिर किसी बैलून के ऊपर ग्लॉब की पिक्चर हुई पेपर के ऊपर ग्लॉब की पिक्चर हुई तो, तो वी कैन ईजिली कैरी दैम उन्हें ईजिली कैरी कर सकते हैं कुछ ग्लॉब की पिक्चर्स या कुछ ग्लोब्स तो ऐसे होते हैं जो हम हाथ में भी आसानी से ले जा सकते हैं जो ग्लोब होता है वो एक जगह फिक्स नहीं होता ये एक इमेजनरी लाइन या निडल से बोलते हैं इस पर मूव करता है अगर हम इसे हल्का सा भी पुश करते हैं तो ये इससे वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है इट मीन्स इससे हमें क्या पता चलता है जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है स्पिन करती है एक जैसे पॉटर का व्हील स्पिन करता है मूव करता है ऐसे घूमता है उसी तरह से हमारी अर्थ भी स्पिन करती है और जब ये ग्लोब स्पिन होता है तो हमें उन जगहों के बारे में ग्लोब पे उन जगहों के बारे में पता चलता है कि कहाँ पर इसमें कंट्रीज़ है कहाँ पर कॉन्टिनेंट्स है और कहाँ पर ओशियंस हैं और उन वो उनका जो साइज़ है वो कितना बड़ा है कि कितने स्पेस में वो है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है डेस्क्राइब करना एक लोकेशन को कि इस स्फीयर में अर्थ के वो कहाँ है बिना ये पता करे कि हमें वो कहाँ सिटेट है उसे डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है इफ़ अगर हमें पता है कि इंडिया यहाँ है ग्लोब में तो हम उसे डेस्क्राइब कर सकते हैं कि वो यहाँ पर है इस इस पॉइंट पर है अब क्वेश्चन आता है कि एक जगह को किसी भी प्लेस को या हम इंडिया को ही ले लें कि ग्लोब पर उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कैसे दिखाते हैं कैसे हमें पता चले कि कौन सा प्लेस कहाँ पे लोकेटेड है इसके लिए हमें कुछ सर्टेन पॉइंट्स की नीड होती है सर्टेन लाइंस की नीड होती है जो किसी भी जगह की लोकेशन को एग्जैक्ट हमें बता सके अब हमने ये चीज़ नोटिस की जो हमारी अर्थ है वो एक निडल पर मूव करती है और वो इससे वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है जो ये निडल है इसे ही हम एक्सेस कहते हैं जिस पर अर्थ मूव करती है इस पर अर्थ रोटेट करती है और हमेशा अर्थ ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ही मूव करती है घूमती है इससे वेस्ट डायरेक्शन में और जो इस निडल का ऊपर वाला जो अपर पोर्शन होता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं और जो नीचे वाला होता है उसे हम साउथ पोल कहते हैं बट हमें एक चीज देखनी है जो निडल है ये जो एक्सेस है अर्थ की ये हमें दिखती क्यों नहीं अर्थ के ऊपर क्योंकि ये हमें इसलिए इसपे इसपे ही अर्थ मूव करती है इसके ही के चारों तरफ अर्थ राउंड करती है बट ये हमें शो नहीं होती बिकॉज इट इज एन इमेजनरी लाइन ये एक इमेजनरी लाइन है इसलिए ये हमें शो नहीं होती एंड सेकेंड इमेजनरी लाइन इज इक्वेटर इक्वेटर इज द लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स इक्वेटर वो लाइन है जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है जो पार्ट इक्वेटर के ऊपर वाला जो अपर वाला पार्ट है उसे नॉर्थ डायरेक्शन का जो पार्ट है उसे हम नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और जो बिलो वाला इक्वेटर के बिलो वाला पार्ट है जो साउथ डायरेक्शन का पार्ट है पार्ट है इट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर ये बोथ आर जो दोनों के दोनों जो बोथ पार्ट्स हैं बोथ आर इक्वल हावस इट मीन दोनों बिल्कुल इक्वल है ये जो इक्वेटर वाली लाइन है ये जो इक्वेटर की इमेजनरी लाइन है एकदम इक्वल से होके जाती है बिल्कुल बीच से होके जाती है और इक्वेटर भी एक इमेजनरी लाइन है और यही वो लाइन है जहां से हमारे पॉइंट शुरू होते हैं हम किसी भी जगह की लोकेशन के बारे इंफॉर्मेशन लेते हैं इट मींस अगर हम देखें कि जो इक्वेटर है यहाँ से जीरो डिग्री से स्टार्ट होता है इट मींस इक्वेटर से यहाँ से जीरो डिग्री से स्टार्ट होता है और जैसे जैसे ऊपर जाता है जीरो के बाद फिर ट्वेंटी डिग्री हो गया फिर फोर्टी डिग्री हो गया फिर हमारा सिक्सटी फिर नाइन्टी ऐसे ऊपर की तरफ अगर हम किसी जगह को ये बताएं जो इक्वेटर से जो ऊपर है वो नॉर्थ पोल और इक्वेटर से जो नीचे है वो साउथ पोल इट मीन्स किसी जगह की लोकेशन इक्वेटर से इतने डिग्री नॉर्थ में और अगर पता करनी हो इक्वेटर से यहाँ पे जीरो डिग्री फिर ट्वेंटी डिग्री इक्वेटर से इतने डिग्री साउथ में अगर किसी भी जगह को हम पता करते हैं अब हम एग्जाम्पल के साथ अगर हम पता करें चंद्रापुर ये महाराष्ट्र में इंडिया में एक जगह है जो ट्वेंटी डिग्री लेटिट्यूड पर लोकेटेड है और ट्वेंटी डिग्री लैटिट्यूड पर ही साउथ अमेरिका के ब्राजील का एक जगह है बेलो हॉरिजोंटे ये भी ट्वेंटी डिग्री लेटिट्यूड पर ही लोकेटेड है बट अब ये कैसे पता चले करें कि कौन सा किसने डिग्री जो ट्वेंटी डिग्री लैटिट्यूड पर तो दोनों ट्वेंटी डिग्री है बट ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ कौन है और ट्वेंटी डिग्री साउथ कौन है दोनों ट्वेंटी डिग्री पे है बट दोनों अलग अलग जगह पर है जो चंद्रापुर है वो ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ में ठीक है जो चंद्रापुर है महाराष्ट्र का वो ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ में और जो ब्राज़ील का बेलो हॉरीजॉन्टे है वो ट्वेंटी डिग्री साउथ में इट मीन्स जो ये लाइंस होती है जो डिग्री होती है, इनसे हैं इनसे ही हम किसी जगह को लोकेट करते हैं हमारे ग्लोब में कि इक्वेटर से इतने डिग्री नॉर्थ साइड में या इक्वेटर से इतने डिग्री साउथ साइड में जो इंपॉर्टेंट पैरलर होते हैं लेटिट्यूड के नाउ वी विल टॉक अबाउट देम दीज आर द पैरलर लाइंस विच विच इज स्वाइंग ऑन आर ग्लोब ये ग्लोब पे जो लाइंस दिख रही है ना आपको ये पैरेलल लाइंस ये लेटिट्यूड की लाइंस होती हैं और ये नंबर में वन एटी वन होती है ये हमेशा ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन को शो करती है इक्वेटर नॉर्थ पोल और साउथ पोल जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा उनके अलावा फोर मोर इम्पोर्टेंट पैरेलल होते हैंट्यूड के दीज आर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट मींस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक है ये नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक है नीचे की तरफ यहां पर होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकॉन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इटमीन्स साउथ डायरेक्शन में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सदर्न पोर्शन में सदर्न हेमिस्फीयर में और नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वेंटी डिग्री ट्वेंटी थ्री डिग्री एंड हाफ पर होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी साउथ पोल में ट्वेंटी डिग्री एंड वन अपॉइन्ट में टू ट्वेंटी डिग्री एंड हाफ डिग्री ट्वेंटी 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 थ्री एंड हाफ डिग्री पर सिटेटिड होते हैं इसके अलावा आर्कटिक सर्कल अपर साइड में और नीचे की तरफ हमारा अंटार्कटिक सर्कल होता है ये चारों भी इंपॉर्टेंट पैडलर के लेटीट्यूड होते हैं जो हमारा आर्कटिक सर्कल होता है वो सिक्सटी सिक्स डिग्री सिक्स एंड हाफ डिग्री नॉर्थ और जो हमारा अंटार्कटिक सर्कल है वो सिक्सटी सिक्स डिग्री सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री साउथ में होता है इक्वेटर के अगर हम इक्वेटर से इस चीज से जीरो पॉइंट से जो मैंने आपको बताया था इक्वेटर का जो जहाँ से इक्वेटर की जो लाइन जाती है जो हाफ में डिवाइड करती है वहां से लगाएं तो ये जो अपर पार्ट है जो आर्कटिक सर्कल है वो सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री नॉर्थ और जो हमारा अंटार्कटिक सर्कल है वो सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री साउथ में होता है नाउ वी विल टॉक अबाउट द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ जब uh, मिड डे होता है और सन की uh, सन हमारे uh, एकदम सर पे होता है Exactly बहुत ज़्यादा उसकी हीट हमें फील होती है इन लेटीट्यूड्स पर और ऐसा साल में एक ही बार होता है जब जो सन होता है जब ये लेटिट्यूड्स की लाइंस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के एकदम बीच में होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के जस्ट बीच में होती है जो ये एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा हीट फील करता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हीट इट मीन्स सन की जो रेज होती है जो सन की रेज होती है वो इस पोर्सन पर बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है इक्वेटर वाले पार्ट पर इट मीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट आने की वजह से ये एरिया बहुत ज़्यादा हीट रिसीव करता है इसलिए इस एरिया को टॉ ट्रौ, जोन कहा जाता है जैसे जो इक्वेटर की लाइन्स हैं जो साउथ अफ्रीका कंट्री है साउथ अफ्रीका है वो बिल्कुल इक्वेटर की जो लाइन है उसके बीच से होके जाती है इट मीन्स वहाँ पर सन की रेस सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है जब मिड डे सन का, की जो साइंस होती है वो हमारे ओवरहेड ना हो के थोड़ी सी इन टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बियॉन्ड चली जाती है पीछे चली जाती है जो सन के आ, जो सन की रेज का एंगल होता है वो डिक्रीज होने लगता है पोल्स की तरफ इट मीन्स वो फैलने लगती है ऐसे पोल्स की तरफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ इट मीन्स वहाँ पर जो सन की रेज होती है वो बहुत कम जाती है आर्कटिक सर्कल की तरफ भी और अंटार्कटिक सर्कल की तरफ भी आर्कटिक सर्कल जो नदर्न हेमिसफेयर में है और आर्किट अंटार्कटिक सर्कल जो सदर्न हेमिसफेयर में है इसलिए यहाँ पर ये जो सन की रेज है ये इंक्रीज सॉरी oh, डिक्रीज होने लगती है जिससे टेम्परेचर कम होता है और इन जगहों पर दीज हेमिसफियर नर्दर्न हेमोसफियर और सदर्न एमिसफियर हैव मॉडरेट टेम्परेचर और दीज आर देयर फॉर कोल्ड टेम्परेट जोन इट मीन्स मॉडरेट क्लाइमेट मीन्स नॉट मोर हीट और नॉट मोर कोल्ड इट मीन्स ना तो ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पर जो ऐसे एरिया होते हैं जो सन की जो रेज होती है वो बिल्कुल जाते जाते स्लेंटिंग हो जाती है इट मीनस ये एरिया या तो हीट बिल्कुल भी रिसीव नहीं करते या बहुत ही कम करते हैं इसलिए ये हम जो सदर्न हेमिस्फीयर का साउथ पोल और नदर्न हेमिसफेयर का नॉर्थ पोल यहाँ पर सन की रेज बहुत मुश्किल से स्लेंटिंग ही स्लेंटिंग पहुँच पाती है या फिर नहीं जाती इसलिए यहाँ पर हमेशा बहुत ज्यादा ठंड रहती है सो दीज एरिया कोल्ड बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं वी विल टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूड्स दीज आर द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स फिक्स पोजिशन अगर एक प्लेस की पता करनी हो तो अभी हमने पढ़ा कि उसके लिए लैटिट्यूड नेसेसरी है किसी भी प्लेस की लोकेशन को अगर हम जानना चाहते हैं उसके लिए लेटिट्यूड जो जरूरी है इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे टोंगा आइलैंड ये पैसिफिक ओशियन में सिटुएट है और मॉरिसस ये इंडियन ओशियन में सिटेट है दोनों ही यहाँ भी बात करें तो ट्वेंटी डिग्री ट्वेंटी डिग्री पर ही ये दोनों जगह सिटुएट है लेकिन अगर हम इनके ऑर्डर का पता करें कि कौन सा ट्वेंटी डिग्री कितने ट्वेंटी डिग्री पे है तो हमें इसके लिए पता करना पड़ेगा ट्वेंटी डिग्री ईस्ट या फिर ट्वेंटी डिग्री वेस्ट क्योंकि हमारी जो अर्थ है मैंने पहले भी आपको पढ़ाया अर्थ ईस्ट टू वेस्ट जाती है मूव करती है अपनी एक्सेस पे ईस्ट टू वेस्ट घूमती है अगर हम पता करना चाहे ईस्ट टू वेस्ट प्लेसेस जो दिए होते हैं कि वो नॉर्थ पोल पर कैसे नॉर्थ पोल पे हमें शो होते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे कैसे शो होते हैं तो ये लाइंस बहुत ज़्यादा हमारे लिए नेसेसरी हो जाती हैं इन लाइंस से ही ये जो जो लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस होती हैं ये लैटिट्यूड की मैंने लाइंस बताई अभी आपको वन एटी वन डि एटी वन होती है और जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं वो लाइंस थ्री सिक्सटी होती हैं और इन लाइंस को लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं सम पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर रिमेंस And I will explain them in the next video. Thank you.